क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म दी डार्क नाइट को सबसे बेहतरीन सुपर हीरो मूवीज में शुमार किया जाता है। इस मूवी को नॉलन की डायरेक्शन के लिए ही नहीं बल्कि जोकर की बेहतरीन एक्टिंग निभाने वाले एक्टर हीथ लेजर के लिए भी याद किया जाता है। इस रोल को प्ले करने के कुछ महीने बाद हीथ लेजर दी ग्रेट जोकर, जिसको आज पूरी दुनिया याद करती है, उनकी मौत हो गई थी। उनकी महज 28 साल की उम्र में नींद की गोलियां और डॉक्टर के जरिए दिए गए ड्रग्स की वजह से उनकी मौत हुई। मेथड एक्टिंग को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हीथ लेजर ने इस रोल के लिए अपने आप को लंदन के एक होटल में महीनों तक बंद करके रखा था। इस डार्क और नेगेटिव कैरेक्टर के लिए उन्होंने एक डायरी भी बनाई थी। जोकर जब जब मूवी में दिखाई दिए तब तब अपनी एक्टिंग से खौफ पैदा कर देते थे। हीथ लेजर ने इस कैरेक्टर के लिए खास तैयारी की थी और इस दौरान वो जोकर के कैरेक्टर में इतना घुस गए थे कि जोकर का कैरेक्टर उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गया था। हीथ लेजर की मौत 22 जनवरी 2008 को हुई और 23 जनवरी 2008 को वो गूगल पर सर्च किए जाने वाले रिजल्ट में सेकंड पोजीशन पर थे। मतलब जोकर की मौत के दूसरे दिन दी जोकर हीथ लेजर के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। दूसरी तरफ गूगल के टॉप 20 सर्चेज में से 10 सर्च हीथ लेजर के बारे में थे। द डार्क नाइट 81st अकेडमिक अवार्ड में 8th नंबर पर नॉमिनेट की गई। हीथ लेजर को जोकर का किरदार निभाने के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। द डार्क नाइट पहली सुपर हीरो मूवी थी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला और ये सिर्फ जोकर की बेहतरीन एक्टिंग या कहें कि अपने किरदार को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाने की वजह से मुमकिन हुआ। डार्क नाइट में एलिवेटर सीन के वक्त जब जोकर ब्रूस वेन के पेंट हाउस पार्टी में आता है, उस वक्त माइकल केन काफ़ी डर गए थे, यहाँ तक कि वो अपनी लाइंस भी भूल गए थे। माइकल केन के अकॉर्डिंग जब जोकर ने एंट्री की उस वक्त वो एक साइकोपैथ की तरह लग रहे थे, जिसने केन को इतना डरा दिया कि वो अपनी लाइंस तक भूल गए। इंटरोगेशन सीन के वक्त हीथ लेजर ने क्रिश्चियन बेल को इंसिस्ट किया कि वो उनको रियल में काफ़ी ज़ोर से मारे ताकि वो जोकर के किरदार में रियल फील महसूस करें। आपने मूवी में जोकर का मेकअप नोटिस किया होगा, जो कि जोकर की पहचान है। वो हीथ लेजर ने खुद डिज़ाइन किया था। उसमें उन्होंने वाइट क्लोन और कॉस्मेटिक यूज़ किया था जो वो लोकल ड्रग शॉप से लाए थे। वो चाहते थे कि लोग ये चीज़ नोटिस करें। हॉस्पिटल सीन के दौरान जब जोकर नर्स के कपड़ों में नज़र आता है, उस वक्त एक नेम टैग था जिस पर लिखा था मटिल्डा, जो कि हीथ लेजर की बेटी मटिल्डा लेजर का नाम है। जोकर के फेस पर जोकर के निशान डार्क नाइट में नजर आए। इन स्कार्स को ग्लासगो स्माइल बोला जाता है, जो कि स्कॉटलैंड से ओरिजिनेट हुआ। ये स्कार्स स्कॉटिश गैंग टॉर्चर के दौरान अपने दुश्मनों को देती है। पहले इसके लिए चाकू का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड को मुंह में फंसा कर पूरा जबड़ा ऊपर तक खोल दिया जाता है। जॉनी डेप, जूड लॉ एंड कॉलिन फेरल ने द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर परनेसियस मूवी की अपनी पूरी कमाई हीथ लेजर की डॉटर मटिल्डा लेजर को दे दी थी, जो कि उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी, क्योंकि ये लोग मटिल्डा के फ्यूचर को लेकर काफ़ी चिंतित थे। हीथ लेजर के फादर ने हीथ की मौत के बाद उनकी डायरी शेयर की थी और इस डायरी के एंड में लिखा था बाय बाय, ये कहना कि जोकर का कैरेक्टर ही उनकी मौत की वजह थी। सही नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस करैक्टर का उन पर काफ़ी असर पड़ा था और कहीं ना कहीं इस करैक्टर की नेगेटिव एनर्जी ने उन्हें इस कदम के लिए मजबूर किया। द डार्क नाइट का ही एक डायलॉग है, या तो आप हीरो के तौर पर मरते हैं या फिर आप इतना जीवन बिता लेते हैं कि आपको विलन समझा जाने लगता है। महज 28 साल की उम्र में जोकर का करैक्टर निभाकर ना सिर्फ हीथ लेजर ने हीरो के तौर पर विदाई ली है, बल्कि हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। अपने फिल्मी करैक्टर को जीना और उसमें खो जाना कोई आसान बात नहीं है। आज लाखों करोड़ों लोग जोकर को जानते हैं और उसे मिस करते हैं। जोकर ने एक करैक्टर से लोगों के दिलों पर राज कर लिया। ये था हमारी तरफ से हीथ लेजर दी ग्रेट जोकर को छोटा सा ट्रिब्यूट। अगर आप दी ग्रेट जोकर हीथ लेजर के फैन हैं और हीथ लेजर को मिस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हीथ लेजर के बारे में जान सकें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।